सो हेलो एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू यू आई यस सो ये एक सेशन मैंने आप लोगों के लिए कंडक्ट किया था आंसर राइटिंग का तो कई बार हम इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं तो हम जस्ट कंसिडरिंग क्योंकि कंटीन्यूस बेसिस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो आंसर भेज रहे हैं और आंसर अच्छे भी हैं बहुत अच्छे आंसर्स हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे आर्या हैं अभिजीत हैं एक हिंदी माध्यम आई थिंक एक स्टूडेंट हैं सोनिया या सोनम करके के हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मतलब तो बहुत ही अच्छा आंसर लिखते हैं है ना तो ये जो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप आंसर राइटिंग करते करते हैं तो आप ऐसा नहीं कि जब आंसर राइटिंग करें तो आप बहुत कोई प्रिंटेड मॉडल आंसर देख के और फिर आप अपना आंसर जो है लिख रहे हैं वो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं देखो प्रिंटेड कोई नोट्स बनेंगे तो कॉपी पेस्ट करके आपको मॉडल आंसर मिल जाएंगे तो आंसर बेस्ट क्या है पहली कंसिड्रेशन मैंने आपको पहले भी बताई है इस पर अभी भी मैं कई सारे आंसर्स आपको शो भी करूंगा देखेंगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे तो पहली चीज़ देखो टेन मार्क्स का अगर आप आंसर लिखते हो तो कोशिश करो नौ मिनट के अंदर लिखने की ठीक है नाइन मिनट्स के अंदर दूसरा आपको देखना है कि पंद्रह नंबर का है तो सत्रह अठारह मिनट के अंदर तो आपका बेस्ट आंसर का, का कंसिड्रेशन एक तो शब्द वर्ड लिमिट याद रखनी है जैसे दस नंबर में डेढ़ सौ शब्द एक सौ तीस चालीस शब्द आप लिखते हो दूसरा समय वही आंसर मैं आपको तीस मिनट में बोल दूँ और आप बहुत अच्छा आंसर लिख दो या आप वर्ड लिमिट बहुत क्रॉस कर रहे हो ये चीज़ आप ही डिसाइड कर रहे हो बिकॉज वी कैन से कि जो भी आप वर्ड uh, लिमिट की बात करें तो वर्ड लिमिट uh, अभी ऐसा हो कि आप बहुत ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं आप समय बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और फिर बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं और फिर पोस्ट कर रहे हैं वो सही नहीं है तो कोशिश ये करनी है कि जो भी आप उत्तर लिखें तो समय और शब्द वर्ड्स और जो आपके वर्ड्स तो हैं और समय के विद इन आपको लिखना है डेली बेसिस में मंडे टू सैटरडे में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ और उस पर आप लोग लिखते भी हैं सौरभ पांड्यान अकेडमी टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है अपना आंसर भी जो है आप सेट करते हैं मतलब जो अपना आंसर है वो आंसर भी आप जो है वीकेंड से कि भेजते हैं कंटिन्यूस बेसिस में तो कुछ आंसर मैं आपसे आपको दिखाता हूँ जैसे हिंदी माध्यम के से स्टार्ट करते हैं ये एक स्टूडेंट है उन्होंने लिखा हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया बट हाँ अब आप अगर हिंदी माध्यम से हैं आपने बढ़िया तरीके से जैसे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था सामाजिक और आर्थिक बदलाव के बिना ऊर्जा बदलाव या ट्रांजिशन संभव नहीं है चर्चा करना है तो एक सौ शब्द में लिखना है तो बढ़िया इन्होंने इंट्रो लिखा पूरा जो आर्गूमेंट है वो भी बढ़िया तरीके से लिखा ठीक है तो देखो आर्गूमेंट्स आपके ऐड ऑन होते चले जाएंगे आज कुछ आर्गूमेंट आप लिख रहे हो कल कुछ और लिखोगे इस टाइप से वो होता रहेगा उसमें कोई बात नहीं है बट आपको माइंड में होना चाहिए कि कोई प्रश्न अगर पूछा जाए तो मुझे इंट्रो में क्या लिखना है मैक्सिमम हिस्सा आपका बॉडी वाला हिस्सा होना चाहिए सत्तर से पचहत्तर परसेंट हिस्सा आप जो पूछा गया उस पर लिखना है टेन मार्क्स का जो प्रश्न है उसमें एक डिफरेंट अप्रोच होगा टेन मार्क्स के प्रश्न में आपको ये याद रखना है कि टू द पॉइंट चीज़ें होना चाहिए इधर उधर की बातें ज़्यादा लिखना नहीं क्योंकि आपके पास शब्द है नहीं एक सौ शब्द ज़्यादा नहीं होते है, ठीक है वन थर्टी वन फोर्टी शब्द ज़्यादा नहीं होते तो इसको जैसे अब इतना बड़ा है तो इसको दो लाइन में भी किया जा सकता था और फिर इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेटरी वे में लिखा तो शब्द देखने में लग रहा कि काफी है कि काफ़ी ज़्यादा है वन फिफ्टी से ज़्यादा है तो वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करना है और ओवर राइटिंग अवॉइड करनी है और जैसे अब ये बहुत ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लेक्स ऐसा लिखने का जो प्रयास किया तो राइटिंग पे थोड़ा वर्क कर कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें कई बार क्या होता है मेरे पास बहुत बढ़िया नॉलेज होता है सब कुछ होता है बट फिर भी गलती हो जाती है तो आप प्रेजेंटेशन पे अपना वर्क करें शब्दों जो वर्ड्स लिख रहे हैं उसको आप सही से प्रेजेंट करने का प्रयास करें बाकी कंटेंट अच्छा है मैंने पूरा आंसर रीड किया है अब जैसे शब्द प्रॉपर लिखे ना कि जो लिखा है वो समझ में भी आना चाहिए अच्छा लिखा क्या क्या है ठीक है इन्होंने ऐसा क्रॉस करके एंड किया ये भी अच्छी चीज़ है कोई उसमें नहीं है अच्छा अप्रोच है अब आंसर तो इन्होंने लिखा है एंड बढ़िया तरीके से प्रेजेंट भी किया है आप लोग भी इससे सीख सकते हैं देखो दूसरा एक आंसर इंग्लिश में मीडियम में है टेन मार्क्स का देखो जो भी प्रश्न जैसे इन्होंने दो इंट्रो दिया फिर इंट्रो देने के बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया इकोनॉमिक ट्रांजिशन फिर सोशल ट्रांजिशन ये किया और फिर अवेयरनेस वे फॉरवर्ड और कॉन्क्लूजन अब इतना सारा देखो ये अवॉइड करना है कि अब कंक्लूज़न भी लिख दिया वे फॉरवर्ड भी लिख दिया ये सब भी लिख दिया अब इस चीज़ को आप आपको देखो मेनली तो आपने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व कर दिया अपना आंसर आपने इंक्लूड कर लिया बट इतना सारा इसमें मतलब आप अगर, अगर, अगर लिख रहे हो तो अब वे फॉरवर्ड भी लिख रहे हो तो साथ में कंक्लूजन भी नहीं लिखना ये ऐसा जरूरी नहीं है एक चीज़ लिखो जो जरूरत है क्वेश्चन की सो वे फॉरवर्ड अगर या सजेशन कुछ लिखते हो तो दो पॉइंट्स तीन पॉइंट्स लिख दिए बस ये ध्यान में रखना अब इसमें इतना सारे चीज़ ये अवॉइड करना है स्कीम्स को भी इसी में डाल दो है ना तो ये है देखो आपके आंसर में इंट्रो भी हो वे फॉरवर्ड भी हो दो चीज़ें हैं ही डिपेंड करता है कंक्लूजन है वो आप कर सकते हैं और बॉडी का हिस्सा सबसे मैक्सिमम बॉडी वाला हिस्सा होना चाहिए ये आप देखो इस चीज़ को भी अवॉइड करना है फिर देखो एक आंसर ये भी अभिजीत का है बढ़िया तरीके से अभी सिक्स शेड्यूल के ऊपर था ये मैंने प्रश्न हिंदू सेशन में जो हमारा डिस्कशन होता उस पर है एसेमेट्रिक फेडरलिज्म पे प्रश्न था तो इन्होंने इसके बारे में लिखा है देखो इसको प्रॉपर थोड़ा सा लाइन वाले उसमें लिखो इसको प्रॉपर कंटेंट देखो मैंने काफ़ी डिस्कस किया है हिंदू इसलिए मैंने कंटेंट आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बट हाँ यह आप थोड़ा सा ध्यान रखें बढ़िया प्रेजेंटेशन है सिक्स शेड्यूल के कंटेक्स में इन्होंने डायग्राम भी ड्रा किया बढ़िया प्रेजेंटेशन है एंड देन कंक्लूड भी किया बट इसमें भी आई थिंक शब्द इंक्रीज हो रहे हैं काफ़ी लगभग दो सौ के ऊपर जा रहे हैं तो ये अवॉइड करना है अब बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो शब्द क्रॉस कर रहे हो बहुत ज़्यादा तो एक बार शब्द आप थोड़ा सा देखो कितने शब्द है काउंट करके रखो इस चीज़ को ठीक है तो शब्द आपके लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए अगर डेढ़ सौ शब्दों में लिखना है तो एक सौ पचास का एक सौ साठ कर दो ऐसा दो सौ ढाई सौ लिखोगे पॉसिबल नहीं है इसका प्रैक्टिकल भी समझने का प्रयास करो कि अगर इतने सारे शब्द हैं और आप लिखोगे तो देखो तीन घंटे हैं बीस क्वेश्चन हैं तो कैसे करोगे पंद्रह सौ तो आपको दस नंबर के प्रश्न हैं और फिर आपके लगभग ढाई हज़ार चार हज़ार शब्द लिखना इसमें भी अगर आप क्रॉस करोगे तो मतलब इंसान की लिमिट भी होती है ना नहीं लिख सकते हो चार हज़ार शब्द ही आप नहीं लिख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा आप तीन हज़ार बत्तीस सौ शब्द लिख पाओगे तीन घंटे में वो भी लगातार लिखते रहो तो शब्द को थोड़ा सा आप देखो वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं हो ये देखना बाकी अच्छा प्रेजेंटेशन है फिर देखो ये भी प्रश्न है एक सिमरन का है ये तो ये भी इन्होंने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है अब इसमें इन्होंने जैसे अब ये जिस कलर में आप लिख रहे हो ना उसी में अंडरलाइन कर दो अब बहुत देखो इन्होंने बहुत अंडरलाइन की है ये अवॉइड करना है देखो अंडरलाइन आप करो बिल्कुल करो लेकिन जैसे मान लो चार लाइन पूरे पेज के अंदर दो तीन ही होना चाहिए पूरा ही अंडरलाइन कर दो अच्छा नहीं लगता है ठीक है तो ये अवॉइड करना अंडरलाइन वाला हिस्सा आपको अवॉइड करना है बाकी बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन है कंटेंट पे थोड़ा वर्क किया जा सकता है उसमें तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखना है अच्छा इस साल प्रिलम्स आप लोग दे रहे हो तो बहुत अच्छा ऑफर आपके लिए तो एक तो देखो प्रिलिम्स रिविजन कोर्स हैं ये तीन कैटेगरी में है एक तो स्टोर है एक प्लस जी है एक आइकॉनिक आइकॉनिक में आपको मेंटर मिलता है इसमें आप लाइव क्लासेस में जी एस सी सेट करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज डाउट सॉल्विंग सब कुछ इंक्लूडेड इसका अमाउंट आप देख लो ठीक है इसमें जी एस सी सेट और करंट अफेयर्स है तीन चीज़ें हैं तो यहाँ पे क्या है कि यू हैव टू यूज़ द कोड एस पी एल आई वी इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं तो आ, 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 आप कह सकते हैं कि अनकेडमी डॉट कॉम में जाना है उसके बाद यू पी एस सी सी एस सी सेलेक्ट करना फिर कोड डाल देना दैट इज़ एस पी एल आई वी और आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो ज्वाइन करके तो ये ऑलरेडी नाइन्थ फेब से शुरू हो चुका है दो हज़ार तेईस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए मस्ट है ठीक है तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और प्रेलम्स का आप इस अगर मेरा भी कोर्सेज़ आने वाले हैं वो भी आप ज्वाइन कर लेना वो भी साथ में आपको मिल जाएगा जब आप प्लस ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं आज के लिए इतना ही आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा थैंक यू एवरी वन याई इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें थैंक यू